बहनों का आग्रह जी, दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा। और भाई हरियाणा के जो बालक हैं उनमें टैलेंट कूट कूट के भरया है। और भाई अधिकारियों की बात करा, अफसरा की बात करा, भाई कोई भी जो बेरोजगार बालक होया करे, उसका एक सपना होया करे, या फिर पढ़ाई में अव्वल रहने वाला बालक है, उसका एक सपना होया करे, अगर भाई वो देश का प्रदेश का नाम रोशन करे, एक बहुत बड़ा अधिकारी बने। ठीक वही सपना साकार करया है ककराना गांव का विपिन। विपिन भाई दर्शकों ने पहले तो राम राम मान लिया। राम राम जी सभी दर्शकों को। और भाई जितना सीधा बोला यू दिखा है गुआना जलेबी की त्रियाँ टेढ़ा है, क्योंकि ये बन गया बोले अधिकारी। और जो करो फिल्म में डायलॉग आ गए ना, बोले हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। और इसे त्रियाँ भाई ये विपिन है और ये एच एस अधिकारी, यानी कि 13वां रैंक पूरे हरियाणा में, बहुत बड़ी बात है। तो विपिन भाई संसार क्रांति समूह की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और सभी जो संसार क्रांति के दर्शक हैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद है। और कई बार एक बात और होया करे है, जब कोई अधिकारी मतलब अपने वर्ग के बालका में तो जब बड़ा अधिकारी बन जाए नहीं, वो कई बार हरियाणवी भूल जाए है। वो थोड़ा यू इंटरव्यू इनका याद रहेगा जी, भाई कल का इनका दिन है जो वो ट्रेनिंग का सेशन शुरू हो जाएगा कल से, नहीं हो बात विपिन भाई? हाँ जी, अभी सरकार की तरफ से अभी आगे अमित तला किया जाएगा। हाँ लगभग, और हाँ लगभग लगभग तो, कल का मतलब ये है आने वाला जब भी दिन होगा, जब ट्रेनिंग पे चलोगे आप बिल्कुल, तो हम न्यू चेक कर लें कदे हरियाणा भी भूल जाओ कदे। ना ना जी बिल्कुल चेक करो, हरियाणा से हैं और यहीं का दूध दही खा रखा है हमने, तो बिल्कुल अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर अधिकारी भी हैं तो हरियाणा के अधिकारी हैं और हरियाणा के लोगों के। चलो तो विपिन ने ना केवल अपने परिवार का, ना केवल अपने गांव ककराना का, बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन कराया है। और हजारों लाखों वह नौजवान युवा साथी जो कि अपना करियर तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़े आइकन बन गए हैं विपिन। तो इनके पिताजी मार्गेल मौजूद हैं, क्या शुभ नाम जी? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी राम राम जी। राम राम जी। राजेंद्र जी की तरफ से सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजेंद्र जी खासतौर पर हरियाणा में एक परंपरा है जी, बड़का तो न्यू पढ़ ले रहा कि मैं बन जाएगा नहीं तो न्यू धक्के खाऊगा। तो आपने विपिन को कभी ताने भी मारे? नहीं, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि बचपन से ही दोनों बच्चे ये बिल्कुल सिंसियर रहे हैं और मैंने कभी भी इनको डांटने का धमकाने की जरूरत तो नहीं, मौका लग गया ही नहीं, मौका ही नहीं लगा। और ये फैक्ट है, मैं वैसे नहीं प्रशंसा कर रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है बिल्कुल, कि मैंने कभी इनको धमकाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनकी मम्मी जो है वो कई बार पूछ लेती थी इनसे। अच्छा, वो डिपार्टमेंट उनका, उनको दे रखा था आपने? हाँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हुए और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट होता था, तो मेरे को अमूमन मेरे जो साथी थे वो ये कहा करते थे कि आपके बच्चों की इंग्लिश बढ़िया है क्योंकि आप इंग्लिश के हो गए। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं इंग्लिश का ज़रूर हूँ पर मैं बच्चे मेरे पास ना मैं बिठाता हूँ और ना वो बैठना पसंद करते हैं। तो ये प्रभु की कृपा है, इन बच्चों का मेहनत है, इनकी लगन है, बचपन से ही इतनी सिंसियरिटी थी इनमें तो, कि ये अपने कर्तव्य के प्रति जो है एकदम बहुत बढ़िया जागरूक और सिंसियर रहे। तो राजेंद्र जी एक होता भी बड़का तो एक टारगेट दिया जाग रहा है कि भाई ये अचीवमेंट प्राप्त करनी है, तो आपने पहले से कोई सपना इनको दे रखा था कि भाई ये सपना साकार करना है? इनका जो सपना था असल में दोनों बच्चों के मामले में वो सपना मैंने नहीं दिया था। अच्छा। और मैंने एक साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट अपनाया था और वो ये था कि कई बार क्या होता है, वो कहते हैं ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, इनहेरिटेड जो क्वालिटी बच्चे के अंदर होती है वो कहीं ना कहीं उसके भविष्य को निर्धारित करने की ओर इशारा करती है। बिल्कुल ठीक है। तो निश्चित रूप से इन बच्चों ने जिस सब्जेक्ट में जिस फील्ड में अपनी रुचि दिखाई ये मैंने उनको बिल्कुल जो है खुला बोल दिया कि जहां आपकी रुचि है आप वहां उस फील्ड को अपनाइए, लेकिन जो भी फील्ड आप अपनाओ उसके अंदर परफेक्टनेस होनी चाहिए। चलो ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल। तो विपिन भाई मतलब जैसे ऑफ कैमरा जी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि भाई आपकी इस अचीवमेंट में आपकी सिस्टर का बड़ा योगदान रहा, तो बण भाई में आपस में खटक पटक भी चल लग रहे हैं, ताने भी चल लग रहे हैं, आपकी सिस्टर ने भी कर दी होगी, हाँ देख लिया जिस अफसर बने का मन बेरा है, तो मैं ताने ने काम कराया है या मोटिवेशन ने काम कराया है, किस तरह से काम कराया? जी देखो थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होती है हर परिवार में, हर भाई बहन के अंदर, पर ये है कि मोटिवेशन बहुत रहा बहन की तरफ से, उसने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और काफ़ी संघर्ष के साथ करी, और वो हमेशा ये समझाती कि भाई डटे रहो, हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और लगे रहो लगन के साथ। तो एक हमेशा कभी भी डाउन फेस भी आता है, लंबी तैयारी है सिविल सर्विसेज की, तो उसमें हमेशा वो
एक कहता है कि जैसे एक बड़ा उसका वो होता है, फर्ज होता है कि भाई अपना जो भी अंदर डाउन फेस आपका आए, आपको जो भी मुसीबत है उसको झेलो और आगे बढ़ो। चलो विपिन भाई, इब आपने जो 13वां रैंक हासिल करे है एचसीएस में, बहुत बड़ी बात है जी। तो मतलब अधिकारियों की ठाठ बाट देख कर जिब न्यू जी करे भाई मन भी अधिकारी बनना है आगे पाछे गाड़ी ना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में मैं प्लस टू के बाद ही, असल में मेरी जो पढ़ाई थी उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चला गया था और वहाँ स्वामी विवेकानंद के विचारों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो एक हमेशा बचपन में रहता था कि यार ये अधिकारी होते हैं, डीसी है, एसपी है, बड़े अधिकारी होते हैं, पता था बिल्कुल। पर एक मोटिव वहाँ से मिला कि भाई लोगों के लाइफ में अगर कोई चेंज आप ला सकते हो अधिकारों का प्रयोग करते हुए, तब तो फायदा है। अदरवाइज तो कितनी नौकरियां हैं, कर लो अपना पेट पाल लो भाई, दुनिया कर रही है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये है कि भाई विवेकानंद जी के विचारों से मैं बड़ा प्रभावित हूं कॉलेज के समय। इस तरह से बदलाव की अगर प्रक्रिया की बात करें तो क्या लगा आपने एक एचसीएस अधिकारी किस तरह से अपने क्षेत्र में बदलाव ला सका है, और जो लाखों नौजवान साथी आपको अभी देखने लग रहे हैं उनके लिए किस तरह की आइडियोलॉजी आप बताओगे? जी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो समय हमारा है, हम ये देखते हैं कि हम शॉर्टकट में बहुत यकीन करने लग गए कि यार शॉर्टकट ढूंढ ले कहीं से और जल्दी से सफलता मिल जाएगी। ठीक बात है। फिर आज के लिए चल गया इंस्टाग्राम पे रील बना देंगे और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर मेरा मानना भाई मेहनत लॉन्ग टर्म में है, हमेशा आप लंबे पथ पर चलोगे तभी आपको मेहनत मिलेगी, उसका सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो पहली बात तो भाई सभी युवाओं को ये संदेश है कि मेहनत का रास्ता अपनाओ, चाहे लंबा समय लगे पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, मतलब नहीं होने भाई आप शॉर्टकट का चक्कर में रास्ता भी खराब कर बैठे हैं और अपना भविष्य भी खराब कर भी खराब कर बैठे हैं। और दूसरी भैया बधाइयों का ताता भी शुरू हो गया है, लियो जी बधाई आएगी। क्या शुभ नाम जी? संजय जी। संजय जी बैठो और सीट पे, आप कहाँ से आई? ककराना से जी। अच्छा भाई, गाँव वाले की बधाई का ताता शुरू हो गया है। तो संजय भाई कैसा महसूस कर रहे हो? आपके गांव के लिए बड़े फखर की बात है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन गार्डन हो गया जी। भाई हमारा गुप्तसूत्र दौड़ा बताओ था, बोले गाँव में ब्रिगेडियर भी हैं और भी बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन एक एचसीएस अधिकारी की कमी थी, वह विपिन भाई ने पूरी कर दी है। नहीं बात है विपिन भाई? बस जी ये तो ले भाई, बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। क्या नाम है जी? भाई मेरा नाम रामलीक ककराना है और ये समस्त गांव ककराना की तरफ से इस बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हमारे शिक्षक भाई का भी, वकील भाई भी, इसके पापा का भी रिकॉर्ड है। इसके पापा भी पहले हरियाणा पुलिस में लगे थे, बाद में गवर्नमेंट लेक्चरर बने, उसके बाद वकील बने और हमारी भाभी जी आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर है। और समस्त गांव की तरफ से इस होनार बच्चे को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं और इसका गांव में जल्द ही सम्मान किया जाएगा। चलो ये तो गांव के लिए बहुत पुराना है जी। आपकी माता जी के लिए भी मैं बात कर लूंगा थोड़े से, उन्होंने कहा करना 100 ग्राम उड़ाने से लग लो। राम राम आंडे जी दर्शकों जी, राम राम जी सभी को। और कैमरामैन विक्की दी कहूँगा, इन आँखों को एक बार दिखा दो ध्यान से, और खुशी के आंसू हैं इन आँखों में। क्यों जी? ठीक बात है जी, ऐसा दिन भी वो बात होता है ना कि भाई किसी भागे वाले को ही मिलता है। क्या शुभ नाम आपका? अनीता जी मेरा। अनीता जी नु कहा करें, बोले जननी जने तो भक्त जन याद आता या सुर, नहीं तो जननी बांध रहे कहे गवाए नूर। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। बस सब प्रभु की कृपा है, भगवान ने ऐसा किया भाई, ऐसे होनहार बच्चे दिए हमारे को, और किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी इनको, कभी पढ़ने के बारे में भी हमने ये नहीं कहा भाई पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, शुरू से ही इसकी लगन थी। प्लस टू के बाद इसने अपना ये स्टार्ट कर दिया था, मेरे को बताया था अग मम्मी आप अपने तक सीमित रखना। अच्छा। मैं अपना इसमें कंपटीशन में मतलब है मेरा इंटरेस्ट, मैं कहा बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। चलो यानी ये जो सपना जो साकार करना था विपिन ने, वो अपनी माँ को जरूर बता दिया था, आपको नहीं बताया जी? नहीं, मेरे से ज्यादा शेयर नहीं किया। अच्छा। हाँ अपनी मम्मी से ज्यादा शेयर करता था। माँ का आगे वही बात है भाई, बेटा जो है माँ और बेटे का एक अलग ही लाड हुआ है। और तो मतलब जिस तरह अब के लगा आपने भाई, जो इस तरह से घर में अधिकारी और किस तरह से सपने साकार होंगे, मतलब के ड्रीम है आप दिमाग में आपके? हमारा जी ड्रीम ये है, ये अपना कामयाब हो गया, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, पूरी निष्ठा के साथ करें, पब्लिक की जो सेवा करनी है वो बिल्कुल ईमानदारी से पूरी निष्ठा से के साथ करें। हमारा तो यही है, हमारा तो ये है भाई इसकी ड्यूटी पूरी हो जाएंगी, हम अपना अपनी नौकरी कर रहे हैं, फिर हम अपना फारिग। चलो ड्यूटी का मतलब कर्तव्य भी है भाई। और फिलहाल तो हम देख सको हो माँ बाप तक, यानी कि माता और पिता से
कर्तव्य के रूप में जो गुण मिले हैं उन गुणों के कारण विपिन जो है आज इस अचीवमेंट को प्राप्त करने में सफल रहे और बधाई देने वाले का ताता लग रहा है भाई। क्या शुभ नाम जी? अजय शर्मा। अजय आप कहाँ से जी? मैं ही रोहतक से हूँ, मैं इसका मामा हूँ। अच्छा एक बात है, ये आपका साला जी? साला तो के चाला है जाए तो कट्ठे बैठे हो ना, अलग तो वो जमा रहती कड़ी है। क्या शुभ नाम जी? अमित शर्मा जी। अच्छा आप कहाँ से जी? ककराना से। तो अमित भाई आपके गेल खेलनी है भतीजा लगे जी। अच्छा भतीजा, ठीक है। ये आपका चाचा? हाँ जी। आपका चाचा जमा अच्छा। तो विपिन भाई ठीक है, अधिकारी हैं और ये बटे हुए हैं। अच्छा क्या शुभ नाम जी? ललित वशिष्ठ। ललित, चलो मैं जी फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा जी, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, और मैं बड़ा ही आज रिश्तेदार अधिकारी बन गए। बिल्कुल जी। सुनो क्या नाम आपका? ललित वशिष्ठ। ललित, ललित भाई वो उत्तर प्रदेश में एक रिवाज है जिसका कि कुटुंब में तो कोई विधायक बन जाए गाड़ी पर लिखवा ले चाचा मारे विधायक है। तो वो काम आप भी रिश्तेदार मारे अच्छे से? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ही आज खुश हैं हम। चलो तो कैमरामैन तीन आचू करते दिखा दे भाई, परिवार में खुशियों का माहौल है और वाक्य में जो है ये जो खुशियाँ हैं वो प्रत्येक परिवार में आए इस तरह का। ये आपकी? अच्छा ये ठीक है, ये जो ताने मारिया करती जो है। क्या नाम बहन जी? कीर्ति। कीर्ति, तो कीर्ति जी भाई ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपका नाम रोशन कर दिया, कीर्तिमान स्थापित कर दिया भाई ने। जी जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जब से मुझे पता चला है तो मैं जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में हूँ प्रोफेसर, तो वहाँ पर भी मैंने एक अलग ही माहौल बना दिया, सबको बताया, फिर मतलब ये था कि जल्दी से जल्दी इस तक पहुँच जाऊँ। चलो बिल्कुल, तो तुम देख सको भाई। तो विपिन जी जैसे ही एक मान लो जब व्यक्ति एक नए उसकी शुरुआत करे है, एक उसका एक खून में एक खलबली ही मचा करे कि मेरा देश अब तक इन चीज़ों में जकड़े आया है या इस तरह की परिस्थितियों में है, तो फिलहाल आपको क्या लगे है कि भाई अपना हरियाणा प्रदेश सबसे बड़ी कौन सी चुनौती के दौर से गुजर रहा है? अब जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो किस समस्या के ऊपर आप सबसे ज़्यादा काम करने का इरादा है? जी देखो ये है कि एक अधिकारी के लिए समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, और कोई भी प्रदेश हो तो उसमें एक समस्या तो नहीं है, काफ़ी समस्याएं हैं, चाहे खेतीबाड़ी की समस्या हो, हमारा कृषि प्रधान राज्य है तो खेती की एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ रहती है। तो अगर उसमें उस कैपेसिटी में अगर मेरे को कोई काम दिया जाता है तो उसमें मेरा एक बड़ा मन है अंदर से कि मैं ज़रूर कुछ लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए करूँ। दूसरा हमारे जो युवा हैं तो युवा बड़े एक प्रदेश की देशी उम्मीद होते हैं, तो उस उम्मीद को बांध करके और उसको एक अच्छे चैनलाइज करना उनके एनर्जी को, ये दूसरा मेरा एक प्रथम वो रहेगा। बहुत बढ़िया। और तीसरा भाई हमारे प्रदेश में महिलाओं का जो योगदान है चाहे खेल में हो या फिर पढ़ाई के अंदर हो तो उसको और बढ़ाया जा सके, तो ये तीन चार जरूर मेरे वो रहेंगे जिनमें अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर इसमें कुछ पॉजिटिव करूंगा। चलो विपिन भाई के सपने हैं जिनको साकार करने के लिए एक उन्होंने जो तपस्या करी थी उस प्लेटफार्म को इन्हें तैयार कराया और पूरे परिवार का ककराना और आसपास के जो इनके जो यार दोस्त हैं उनकी बधाइयों का भी ताता लग रहा है। और हाँ जी हमारे गाँव में ब्रिगेडियर IAS तहसीलदार और विंग कमांडर भाई वरिष्ठ पत्रकार सभी प्रकार के अधिकारी थे हैं, लेकिन एक HCS की कमी थी मेरे गांव में। विपिन ने पूरी कर दी, विपिन ने बधाई, उसने विपिन ने पूरी कर दी। चलो इसलिए पूरे गांव में है ना बहुत खुशी की लहर है और जल्द ही इसका समय लेकर बेटा का पूरा गांव इसका सम्मान करेगा। तो समय लेना पड़ेगा इव तो यह बात भी है भाई, टाइम लेना पड़ेगा। राजेंद्र जी मिलने जाऊंगे जी, भी टाइम लेना पड़ेगा। न्यू है राजेंद्र जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रोटोकॉल तो अपनी जगह है। प्रोटोकॉल आइए, हमारे सामाजिक संबंध अलग चीज है, प्रोटोकॉल अपनी जगह। चलो तो भाई इन खुशियों वाली तस्वीरों पर छोड़कर तो हमने जान लग रहे हैं, वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर और सफलता भी मिले प्रचुर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया।